Hello everyone, are you watching Artline TV? Thank you. Today you have any program of the day? You are going any out of home? Please, if you cross the road, then please wait. See left and right, then cross the road, because it is for your health. Now, we are going to this show focus on internationally artist, upcoming young artist, those are interested to talk and those are interested to celebrate his journey. That's why this episode we have one of the guest from India, Delhi. She is Ridhima Saraf. Let's watch this episode, what she have experience of life, the whole art journey, which type of work, what her work is speaking, telling the stories, what she have own experience of life, and what is her own philosophy of art. Please watch full story. Please welcome Ridhima ji, you are welcome in Let's Talk. धन्यवाद. मैं रिधिमा शराफ, भारत के दिल्ली राज्य से एक आधुनिक बौद्धिक कलाकार हूँ. यद्यपि कला बुद्धि के स्तर से बहुत आगे काम करती है, जब आप मेडिटेशन में होते हैं, जब आप कला बना रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो आप बुद्धि लगाकर नहीं बना सकते हैं. लेकिन जब आप उस स्थिति से बाहर आते हैं तो कई ऐसी परतें खुलती हैं जो आपकी बुद्धि का विकास करती हैं. और इसीलिए मैं अपने आप को, क्योंकि मैं अभी बुद्धि के स्तर पर काम कर रही हूँ, तो अपने आप को बौद्धिक कलाकार, आधुनिक, क्योंकि मेरी कला में आधुनिक ढंग से मैं उसको ट्रीट करती हूँ, इसलिए आधुनिक बौद्धिक कलाकार कहती हूँ. इसके अलावा कला शिक्षा में मैंने परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा के तहत जितेंद्र सारस्वत जी से भारतीय एक कला विधा है, तंजोर कला, वह सीखी है. आधुनिक कला कंटेम्प्रेरी आर्ट की शिक्षा मैंने संजय रॉय, जो कि त्रिवेणी कला संगम के एक टीचर हैं, उनसे ली है. इसके अलावा राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मैंने मास्टर्स की डिग्री ली है ड्राइंग एंड पेंटिंग का. तो ये मेरी कला शिक्षा है अभी तक. बचपन से ही मैं कला के प्रति विशेष अनुरक्त थी. जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पिताजी ने एक हनुमान जी का स्केच बनाया था, और वह मेरी पहली याद है जब मैं कला के प्रति मेरा रुझान बना था, और तभी से मेरी यात्रा शुरू हो गई. फिर आर के लक्ष्मण जी के स्केच आते थे, मार्गोडी डेज नाम का एक प्रोग्राम आता था डीडी नेशनल पर, तो वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे. उसके अलावा फिर मैंने जब तंजोर कला सीखी, और जब मेरे पास में डिमांड आती थी, तो मैंने महसूस किया कि सभी रिपीटिव नेचर की हैं, उसमें कुछ विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकल के आ रही है जो नई हो. तो ये सोच मुझे कंटेम्प्रेरी आर्ट की ओर ले गई, और फिर मैंने धीरे धीरे कुछ सरियल काम बनाए, फिर मैंने विषयों को रियल ऑब्जेक्ट के साथ कुछ मिक्स करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट रूप अपने विषयों का डालना शुरू किया. और अब ऐसा है कि जैसे बीज जैसे जैसे खिलता है, वैसे वैसे उसका अपना रूप ख़त्म होता चला जाता है. ऐसे ही जब मैं कला बना रही होती हूँ तो मेरे मन में ये भाव होता है कि कला और अस्तित्व के बीच मैं ना हूँ. जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी मेडिटेशन के भाव में या पूरी तरह से जो भाव आ रहे हैं मैं उन्हें चित्रित करूँ.
और इसीलिए आप मेरी कलाओं में अक्सर पाएंगे कि मैं नहीं हूँ। जैसा भी जो भी समय होता है और मेरे मन में जो भी विचार आ रहे होते हैं वो एज इट इज़ कला में आते चले जाते हैं। हालांकि जैसे जब गंगा बहेगी तो उसमें भी एक रिदम होगी कहीं ना कहीं, वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, बिल्कुल नई ताज़ा होती हैं और अपने आप में अनूठी और अलग होती हैं। और रही आर्ट के बारे में मेरी फिलॉसफी की बात, तो मैंने बहुत पहले एक कोट दिया था, आर्ट इज़ द वार्म्थ दैट स्प्राउट्स दैट सीड ऑफ लाइफ। सो इसे मेरी आर्ट के बारे में आप मेरी फिलॉसफी कह सकते हैं। मैं एक फ्रीलांस कलाकार हूँ और भारत सरकार के दिल्ली राज्य के ललित कला के गढ़ी स्टूडियो में कार्यरत हूँ। और मेरे कार्य के विषय में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने पहले कुछ सरियल काम किए, उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्ट रियल लेती थी और जो उनके विषय होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट होते थे, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति देख रहा है वह अपनी कहानी खुद उससे निकाल सके और उसके विषय में अपनी राय बता सके। अब इसके बाद मैं, अभी तो मैं मेडिटेशन आर्ट, आर्ट के टेक्सचर्स, कलर, उनके इफ़ेक्ट्स, माइंड, इन सब के ऊपर काम कर रही हूँ। क्या होता है कि जब आप आर्ट के कलर के क्या असर होते हैं, ब्लू क्यों शांत कलर है, सीधी लाइनें क्यों आराम को डिनोट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जब आप सब चीज़ें समझने लग जाते हैं तो जब आप मेडिटेशन की स्थिति में भी होते हैं तब भी एक लयबद्धता आपके कामों में होती है। जैसा कि आप पीछे भी काम देख रहे हैं, यहाँ मेरे कुछ गोल्ड लीफ का यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा आर्ट है, लाइट एंड शेडो है, इन सब के थोड़े थोड़े असर हैं और उनके ऊपर काम किया हुआ है। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट रूप में आपको असर कर रही होती हैं, मतलब जहाँ ये पेंटिंग्स होती हैं वहाँ एक अलग तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ये एक डेड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये एक एस्थेटिक्स जो होता है इनका बड़ा सॉलिड असर होता है। जैसे कि जहाँ बच्चे जो होते हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है, अगर वहाँ ये पेंटिंग्स रखी हों तो उन पर इसका बड़ा पॉजिटिव असर होगा, वो महसूस भी कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि आर्ट में इतना लेयर्स हैं, इतनी डेप्थ है, इतनी उसकी क्रिएटिविटी की इतनी पहचान है, इतनी खूबसूरती है कि वो जैसे एक झील के आगे आप बैठते हैं तो उसका एक शांति आपके अंदर खुद ब खुद आती है। वैसे ही कला है, जब आपके घर में एक ओरिजिनल आर्टवर्क होता है तो उसका एक अलग असर होता है जो आपके जीवन में उतर रहा होता है। और इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मानी जाती है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है तो वो कला है। मतलब इसके महत्व को शायद ही बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं, लेकिन कला अपने आप में एक अनूठी चीज़ है जो बिल्कुल शांत है लेकिन उसका असर इतना बोलता है। और वही मेरी एक कोशिश होती है कि एक लयबद्धता के साथ वो मेडिटेशन, जिसे आप एक तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र कह सकते हैं, के ज़रिए से, कला के ज़रिए से मैं सामने लाऊं और उस समाज को एक ऐसी कलाकृति दे पाऊं जो कि यहाँ एक अलग अपना असर क्रिएट कर पाए। कला की गहराई नापना, अभी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि कोई आकाश को छूना, तो ये जर्नी अपने आप में एक आनंददायक है, जैसे मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करते रहना चाहूँगी। हाँ, लेकिन भविष्य में
समाज के लिए कला के जरिए से अगर मैं कुछ कर पाई, जैसे कि ये ट्रांस में ले जाने वाली कला के लिए अगर कोई प्रॉपर कोर्स डेवलप कर पाई, या समाज किस प्रकार से एक बेहतर समाज बन सकता है कला के ज़रिए से, इसका कोई प्रमाणिक कोर्स अगर डेवलप कर पाई, या किसी एनजीओ के ज़रिए इस तरह की कोई सेवा मैं समाज को दे पाई, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊँ। मैं उसके विषय में कुछ प्रयोग कर रही हूँ, और अगर वो प्रयोग, क्योंकि एक लंबे समय में ही प्रमाणिक हो पाएंगे, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि एक ऐसा कोर्स डेवलप करूँ जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सके, या जो लोग इच्छुक हैं एक अच्छे जीवन, शांत जीवन, खूबसूरत जीवन, या कहना चाहिए अद्भुत आनंद देने वाली स्थिति को प्राप्त करने वाली समझ या स्थिति को पहुंचने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कुछ पद्धतियां हैं कला के ज़रिए से जो डेवलप हो सकती हैं, तो मैं वह भविष्य में करना चाहूँगी। मैं आर्ट लाइन टीवी नेपाल यूट्यूब चैनल से हरिओम मेहता जी को मुझे इस इंटरव्यू में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ, और वे जो इस कार्यक्रम के ज़रिए देश विदेश के कलाकारों को जोड़ रहे हैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देती हूँ व अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।